नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मूरी एक्सप्रेस के बारे में, या इसे कहते हैं जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस, जो कि 4 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मूरी एक्सप्रेस के बारे में, और इसे जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये जो ट्रेन है जम्मू तवी से टाटा नगर, जो कि जमशेदपुर जिसे कहा जाता है, टाटा नगर जंक्शन तक ये ट्रेन जो है हफ्ते में 3 दिन चलेगी। 4 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। जम्मू तवी से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को ये ट्रेन जो है टाटा नगर के लिए रवाना होगी और 43 घंटे 30 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करेगी जम्मू से टाटा नगर तक। और इसके तकरीबन 57 स्टेशन होंगे, 2070 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करेगी। एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर। ICF कोचेज वाली ट्रेन होगी। इसका ट्रेन नंबर है 18102, यानी कि 18102। आगे बात करते हैं इसके रूट मैप के बारे में। ये जो ट्रेन है जम्मू तवी से स्टार्ट होकर फिर पठानकोट जंक्शन पंजाब में पहुंचेगी, फिर अमृतसर होते हुए ये ट्रेन जो है लुधियाना, चंडीगढ़ होते हुए हरियाणा कवर करते हुए दिल्ली में पहुंचेगी। दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश कवर करेगी, उत्तर प्रदेश के बाद ये झारखंड में पहुंचेगी। झारखंड में ये ट्रेन जो है टाटा नगर जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करेगी। तकरीबन 57 स्टेशन हैं इस ट्रेन के। अगर बात करें मूरी एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में या जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो जम्मू तवी से टाटा नगर तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें सेकंड एसी के कोच हैं, जिसका जम्मू तवी से टाटा नगर तक का जो टोटल किराया है वो है 2970 रुपये, जिसमें 2778 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है। GST चार्ज 142 रुपये है। टोटल किराया 2970 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जम्मू तवी से टाटा नगर तक का जो टोटल किराया है वो है 2040 रुपये, जिसमें 1903 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है। 97 रुपये GST चार्ज शामिल है। 2040 रुपये जो है टोटल किराया बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो जम्मू तवी से टाटा नगर तक का जो टोटल किराया है वो है 770 रुपये, जिसमें 750 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल किराया 770 रुपये बनता है। नॉन एसी कोचेस में जो है GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों में आपको जनरल टिकट लेके जाना होगा, तो जनरल टिकट का तकरीबन किराया 550 रुपये के बीच में होगा। आप फिर भी अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। और इसके अलावा आप जो है टिकट काउंटर पर से भी ये किराया कंफर्म कर सकते हैं या वेबसाइट से कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं जम्मू तवी से टाटा नगर तक चलने वाली जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस या मूरी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 18102, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन जो है हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को दोपहर के 2:20 पर ये रवाना होगी। और इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन विजयपुर जम्मू में दोपहर के 2:38 पर पहुंचेगी और 2:40 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हीरानगर रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 3:08 पर पहुंचेगी और 3:10 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 47 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पठानकोट जंक्शन में यह ट्रेन जो है शाम के 4:32 पर पहुंचेगी और 4:05 वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 28 मिनट का स्टॉप है। पठानकोट जंक्शन जो है पंजाब का पहला स्टेशन है। यहाँ पर इंजन रिवर्स भी होता है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। पंजाब के दीनानगर रेलवे स्टेशन पर ये शाम के 5:38 पर पहुँचती है और 5:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। 124 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है शाम के 5:50 पर पहुंचेगी और 5:52 पर वहां से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मूरी एक्सप्रेस जो है वो धारीवाल रेलवे स्टेशन या तारीवाल रेलवे स्टेशन में शाम के 6:06 पर पहुँचती है। 6:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 148 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बटाला जंक्शन पंजाब में पहुंचती है शाम के 6:26 पर और 6:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। 167 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है।
बटाला जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है पंजाब के अमृतसर जंक्शन में पहुंचती है। अमृतसर जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 7:22 पर पहुंचती है और 7:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 28 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इसका इंजन रिवर्स होता है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। अमृतसर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है जंडियाला रेलवे स्टेशन पंजाब में 8:04 पर पहुँचती है और 8:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है ब्यास जंक्शन में पहुँचती है। ब्यास जंक्शन में 8:23 पर पहुँचती है और 8:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 248 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जलंधर सिटी जंक्शन पंजाब में 9:05 पर पहुँचती है और 9:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 285 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद जलंधर कैंट जंक्शन में 9:24 पर पहुँचती है और 9:27 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन जो है रुकती है। फगवाड़ा जंक्शन पंजाब में मूरी एक्सप्रेस जो है 9:40 के करीब पहुँचती है और 9:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। फगवाड़ा जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है फिलौर जंक्शन पंजाब में 10:36 पर पहुँचती है और 10:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। लुधियाना जंक्शन में ट्रेन जो है 11:05 पर पहुँचती है और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। लुधियाना जंक्शन का स्टेशन कोड है LDH। लुधियाना के बाद ये चंडीगढ़ जंक्शन में पहुंचती है 1:35 पर और 1:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। अंबाला कैंट में ये ट्रेन जो है 2:30 पर पहुंचती है और 2:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अंबाला कैंट जंक्शन के बाद शाहबाद मारकंडा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है 2:57 पर पहुंचती है और 3 बजे के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जम्मू तवी से शाहबाद मारकंडा रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस जो है 518 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुका होता है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कुरुक्षेत्र जंक्शन में पहुँचती है। कुरुक्षेत्र जंक्शन में 3:15 पर पहुँचती है और 3:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 558 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। करनाल रेलवे स्टेशन हरियाणा में ये ट्रेन जो है 3:40 पर पहुंचती है और 3:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 592 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हरियाणा के पानीपत जंक्शन में 4:38 पर पहुँचती है और 4:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद हरियाणा के आखिरी स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सोनीपत जंक्शन में पहुंचती है। सोनीपत जंक्शन हरियाणा में ये 5:12 पर पहुंचती है और 5:11 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ यहां पर इसकी क्रॉसिंग होती है। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर 5:51 पर पहुंचती है और 5:53 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन पे 6:30 पर पहुंचती है और 6:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 20 मिनट का स्टॉप है। 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। गाज़ियाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश का जो पहला स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन जो है 7:26 पर पहुँचती है और 7:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अलीगढ़ जंक्शन उत्तर प्रदेश में 8:48 पर पहुँचती है और 8:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और अलीगढ़ जंक्शन का स्टेशन कोड है ALJN। इसके बाद ये ट्रेन जो है टुंडला जंक्शन उत्तर प्रदेश में 10:10 पर पहुँचती है और 10:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 901 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। शिकोहाबाद जंक्शन में ट्रेन जो है 10:50 पर पहुँचती है और 10:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 956 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इटावा जंक्शन में मूरी एक्सप्रेस जो है 11:48 पर पहुँचती है और 11:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
झिंझक रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 12:54 पर पहुंचती है और 12:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। एक मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है शाम के दोपहर के 2:20 पर पहुंचती है और 2:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मुरी एक्सप्रेस जो है वो कानपुर में ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और कानपुर में इसका जो है सियालदह अजमेर एक्सप्रेस और सीमांचल एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। कानपुर के बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 3:28 पर पहुंचती है और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और फतेहपुर का स्टेशन कोड है FTP। इसके बाद जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 5:50 पर पहुँचती है और 5:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। पुणे बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ हर मंगलवार को इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मेजा रोड रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। मेजा रोड रेलवे स्टेशन पर शाम के 5:57 पर पहुँचती है और 5:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1365 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है शाम के 6:33 पर और 6:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट इसके बाद ये ट्रेन जो है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है शाम के 6:47 पर और 6:50 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। चुनार जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 7:30 पर पहुँचती है और 7:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1450 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेशन है यहाँ पर रात के 9:03 पर पहुँचती है और 9:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1542 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है चोपन रेलवे स्टेशन पर रात के 10:30 पर पहुँचती है और 10:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात के 11:32 पर और 11:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है RMQ। रेणुकूट के बाद ये ट्रेन जो है दूधी नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात के 11:45 पर और 11:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1613 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। विंध्यधामगंज में यह ट्रेन जो है रात के 12:06 पर पहुंचती है और 12:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। नगर उंटारी रेलवे स्टेशन पर रात के 12:20 पर पहुँचती है और 12:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। ये झारखंड का पहला स्टेशन है। गरबा रेलवे स्टेशन पर रात के 12:48 पर पहुंचती है और 12:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। गरबा रोड जंक्शन झारखंड में रात के 1:05 पर पहुंचती है और 1:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। डाल्टनगंज में ट्रेन जो है रात के 1:40 पर पहुँचती है और 1:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। भरवाडीह जंक्शन झारखंड में रात के 2:09 पर पहुँचती है और 2:14 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन जो है लातेहार रेलवे स्टेशन पर रात के 2:45 पर पहुँचती है और 2:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1811 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। तोरी जंक्शन में मुरी एक्सप्रेस जो है रात के 3:13 पर पहुँचती है और 3:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। खलारी रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 3:38 पर पहुंचती है और 3:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1855 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पटराटू रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:19 पर पहुंचती है और 4:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1908 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बरखा खाना जंक्शन
झारखंड में सुबह 6 बजे पहुंचती है और 6:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1926 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बरखाखाना जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है रामगढ़ कैंट में पहुंचती है। रामगढ़ कैंट में ये ट्रेन जो है सुबह 6:23 पे पहुंचती है और 6:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1913 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मुरी जंक्शन में सुबह 7:20 पे पहुंचती है और 7:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद जम्मू तवी से मुरी तक की जो दूरी है 1985 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। चांडिल रेलवे स्टेशन झारखंड में ये ट्रेन जो है सुबह 8:48 पे पहुंचती है और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस या मुरी एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन टाटा नगर जंक्शन झारखंड में सुबह 9:50 पे पहुंचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है वो 2088 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।